तो फिर एक बार अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबर पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी के बड़े नेता गजेंद्र शेखावत ने कहा कि उन्हें पता लग गया है कि वो वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी की बात हो रही। कल राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उन्हीं में से एक है जोधपुर की लोकसभा सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत उतरे हैं चुनावी मैदान में। और देखिए, क्योंकि वैसे तो जो चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन वन ऑन वन यानी कि डोर टू डोर कैंपेन जरूर हो सकता है, और फिलहाल गजेंद्र शेखावत वही कर रहे हैं। कब वक्त कम है, काम ज्यादा है, और उसी कड़ी में जो है एक एक मतदाता से मिलने की कोशिश है इस कम वक्त के दौरान भी। और ये जो है इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए वकीलों के बीच में पहुंचे हुए, देखिए जो तमाम समर्थक हैं, जो मतदाता हैं, उनके बीच में पहुंचने की कोशिश है। करियन जी, करियन जी, वैसे चुनाव प्रचार तो बंद हो चुका, चुनाव प्रचार तो बंद हो चुका, लेकिन आखिरी कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण एक एक मतदाता तक पहुंचने के लिए। देखिए, ये हमारे अधिवक्ताओं का परिवार है, और विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति के समय से लेकर अब तक सभी से मेरे आत्मीय संबंध रहे हैं। हम सब लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं, साथ में हमने सबने काम किया है। मैं एक बार चुनाव से पहले सबको मिल करके, सबको जो है जिम्मेदारी के साथ में, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के मतदान करें, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं, और देश को विकसित करने की आधारशिला रखने के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें, इसके लिए सबको निवेदन करें। प्रचार तो वैसे बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय मुद्दों पर हम आपसे बात कर सकते हैं। तो राहुल गांधी अब अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी की चर्चा चल रही है, अभी देखते जाइए। वायनाड में हार तय हो गई, इसलिए दूसरी जगह जाने की तैयारी हो गई, लेकिन उनका ये कहना है कि वापस अपने घर की तरफ जो है, और मांग ये की जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, इस वजह से हम वहां पर आ रहे हैं। चलिए, मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो सिर्फ चर्चाएं हैं, चर्चाओं को जो है साकार रूप लेने दीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। प्रणाम। और इसके अलावा पीएम के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपत्तिजनक शब्दों का मंचों से, ये उनकी संस्कार हैं, और उनको जैसे संस्कार उनके डीएनए में मिले हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उसी तरह से आचरण और व्यवहार करेंगे। और देखिए, इस वक्त यहाँ पर वन ऑन वन ये जो तस्वीरें इस वजह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक मतदाता तक पहुँच करके उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश है। तो ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आखिरी कुछ घंटों की हैं, जब मतदान होना है, उससे पहले जो है यहाँ पर एक एक मतदाता तक पहुँचने की कोशिश है। वक्त कम है, काम ज़्यादा है, और रही बात जो है विपक्ष की, तो अरे हम लगातार बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी मतदाता के लिए ये वक्त काफी महत्वपूर्ण होता है, लिहाजा उस वक्त का वो पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से एक एक मतदाता से जुड़ने की सीधे कोशिश है, और लगातार यही बताने की कोशिश है कि उनके बीच में पहुंचने वाले उम्मीदवार हैं, जिनको जिन पर जनता दो बार जिता चुकी है। देखिए, सेल्फी का दौर भी यहाँ पर लगातार चल रहा है, और गजेंद्र जी भी, हाँ, 400 पार है, लोग पानी की समस्या कहते हैं, जोधपुर में खोते पानी आता है, कहाँ पानी पानी। गजेंद्र जी, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।